मौसम से करते हैं और मध्य प्रदेश के मौसम का हाल आपको बताते हैं। तो ठंड का येलो अलर्ट प्रदेश में जारी किया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि इस वक्त पूरा मध्य प्रदेश भीषण ठंड की चपेट में है। चंबल संभाग, उमरिया, रतलाम ये वो जिले हैं जहां शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा रीवा, सतना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी समेत ग्वालियर और दतिया जिले में भी शीतलहर की संभावनाएं जताई गई हैं। तो बता दें आपको, बुंदेलखंड, बघेलखंड के जिले इस वक्त भीषण ठंड की चपेट में हैं। इधर चंबल संभाग, छतरपुर, ग्वालियर और दतिया में पाला पड़ने के भी आसार हैं। दतिया, धार और इंदौर में कोल्ड डे रहा। नौगांव में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो फिलहाल ठंड से कोई राहत प्रदेशवासियों को नहीं मिलने वाली है। अमूमन मकर संक्रांति के बाद ठंड में कमी होती है, तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार इस सीजन में ऐसा देखने को मिल रहा है कि ठंड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं, दीपक द्विवेदी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। दीपक, आखिर कब तक इस कड़कड़ाती हुई ठंड का सामना प्रदेशवासियों को करना पड़ेगा? जी जया, मैं बता दूं कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करा है, येलो अलर्ट जारी किया गया है पाला को लेकर, कोहरे को लेकर और इसके अलावा शीतलहर को लेकर और कोल्ड डे को लेकर येलो अलर्ट प्रदेश भर में अलग अलग क्षेत्र में जारी किया गया है। बुंदेलखंड और बघेलखंड में इसका ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें मालवा, निमाड़ क्षेत्र में तो अभी ठंड से थोड़ा लोगों को राहत, पर जैसे आपने बताया जया कि मकर संक्रांति के बाद दिन बड़े होने लगते हैं, सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश कर जाता है तो दिन बड़े होने के साथ ठंड में गिरावट दर्ज की जाती है, परंतु इस बार उल्टा ही असर देखने को मिल रहा है। जब से मकर संक्रांति हुई उसके बाद ठंड और बढ़ गई है और प्रदेशवासियों को अब कड़कड़ाती हुई ठंड लग रही है। नौगांव की बात करें तो सबसे कम टेम्परेचर 2.0 डिग्री टेम्परेचर नौगांव में दर्ज किया गया है और 20.6 डिग्री टेम्परेचर और प्रदेश भर के सबसे अधिक टेम्परेचर खरगोन की ओर दर्ज किया गया है। तो अभी जिस तरीके से ठंड में कमी आना चाहिए, परंतु अभी ठंड में कमी आने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं और ये अलर्ट अभी 20 तारीख तक के लिए मौसम विभाग ने जया जारी किए हैं। अभी यह देखना होगा 20 तारीख के बाद मौसम अपनी क्या करवट बदलता है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के चलते, शिमला, उत्तराखंड की ओर बर्फबारी होने के चलते मैदानी क्षेत्रों में उसके हवाओं का रुख देखने को मिल रहा है। जब तक वहाँ पर बर्फबारी नहीं रुकती तब तक ठंड जाने के आसार प्रदेश में नहीं है। जया जी, जया फिलहाल शुक्रिया आपका दीपक की तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का सीधा असर इस वक्त पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है और जिसके चलते शीतलहर का दौर जारी है। खासतौर पर मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर फिलहाल ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। फिलहाल इसी कड़कड़ाती ठंड का सामना प्रदेशवासियों को करना होगा।